अरे वाह गाइस, आज तो मेरा बर्थडे है और टिप्सन दादा ने मुझे कहा था कि वो मेरे बर्थडे पर मुझे एक सुपर पावरफुल बाइक देंगे। अरे तो चलो यार, अभी मैं फटाफट से टिप्सन दादा के पास चलता हूँ। और ये देखो, मैं पहुँच गया टिप्सन दादा के घर। अरे लेकिन टिप्सन दादा ने इस खटारा घोस्ट राइडर को यहाँ पर क्यों खड़ी करके रखा है? ये वाली बाइक बहुत गंदी है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे छोटे रहने दे, उसको क्यों तोड़ रहा है, मैं इसको ठीक करके चला लूंगा। अच्छा ठीक है टिप्सन दादा, मैंने आपके कहने पे इसको छोड़ दिया, लेकिन ये बताओ आपने मेरे लिए कौन सी बाइक मंगाई है? अरे छोटे, मैंने तो घोस्ट राइडर बाइक ही मंगाई है, लेकिन वो इससे काफी ज्यादा पावरफुल है। अरे टिप्सन दादा, आपको पता नहीं है क्या, मुझे घोस्ट राइडर बाइक अच्छी नहीं लगती, ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होती। इससे अच्छा तो मैं अपनी ट्रॉन बाइक चला लूंगा। जाओ टिप्सन दादा, आपसे मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन छोटे रुक तो सही। अरे नहीं यार, रोफिरो तो बर्थडे वाले दिन मुझसे नाराज होके भाग गया, अभी मैं क्या करूं? इसे कैसे बताऊं मैंने वो बाइक कितनी महंगी मंगाई है और वो काफी पावरफुल है। अरे वाह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अभी सिलेंडर मैन को कॉल लगाता हूं। अरे बोलो टिप्सन, क्या काम है तुमको मुझसे? अरे सिलेंडर मैन, मुझे तुम्हारी छोटी सी मदद की जरूरत थी, दरअसल रोफिरो। अरे यार, अब टिप्सन ने मदद मांगी है तो मदद तो करनी पड़ेगी ना, चलो भी रोफिरो को कॉल लगाता हूँ। अरे यार, मैंने तो सोचा था टिप्सन दादा मुझे मेरे बर्थडे पर कोई सुपर बाइक देंगे, लेकिन उन्होंने तो वो कचरा घोस्ट राइडर बाइक मंगाई। मेरा तो पूरा बर्थडे ही खराब हो गया। लेकिन ये क्या यार, ये किसका कॉल आ रहा है? अरे ये तो सिलेंडर मैन का कॉल है, चलो उठा लेता हूँ। हाँ बोलो सिलेंडर मैन। फटू रोफिरो, अगर हिम्मत है तो मुझे एक रेस के अंदर हरा के दिखा। अरे सॉरी सिलेंडर मैन, मैं आज किसी से रेस नहीं कर सकता, आज मेरा बर्थडे है। मुझे तो पहले पता था डरपोक रोफिरो, ये तेरे बस की नहीं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, पता तू कहाँ पर है अभी? मैं तो तुम्हारी रेस वाली लोकेशन पे खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। अच्छा तो फिर ठीक है, तू 2 मिनट रुक, मैं 10 मिनट में वहाँ आया। और ये देखो गाइस, मैं रेस वाली लोकेशन पर आ गया और इसने बाइक रेस रखी है। और ये क्या, इसने तो खटारा सी घोस्ट राइडर बाइक लेके आया है। अरे बच्चू, ये खटारा नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक वाली बाइक है, तेरी बाइक इसको नहीं हरा सकती। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तो गाइस अभी रेस को स्टार्ट करवाते हैं अपन लोग। ये देखो गाइस, हमारी रेस को देखने के लिए कौन कौन आया है, 3 सिर वाला हल्क, फ्लैश, कैप्टन अमेरिका और स्टील वाला हल्क। ओ गाइस, दूसरी तरफ भी कोई तो खड़ा है, तो चलो चल के देखते हैं आखिर वहाँ पर कौन। और ये देखो यार, इस तरफ खड़े हैं हल्क बस्टर, मोमो, सुपर हीरो, डेंजरस विलन और टिप्सन। अरे लेकिन इस टिप्सन से तो मुझे बात ही नहीं करनी, तो चलो अभी रेस को स्टार्ट करवाओ हल्क बस्टर। और ये देखो यार, रेस तो स्टार्ट हो गई, लेकिन ये सभी लोग इस तरफ से घूम के क्यों जाते हैं, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता। अरे मुझे पता है, ये लोग मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं होने वाला, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। और अभी तक आसपास में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, लगता है वो मुझसे काफी ज्यादा दूर है। अरे वाह, आज की रेस तो मैं बड़ी आसानी से जीतूंगा। अरे रोफिरो, लगता है तेरे को शॉर्टकट के बारे में पता नहीं है। अरे क्या कहा, शॉर्टकट के? सिलेंडर मैन ने शॉर्टकट लिया है, जरा रुक कर देखने तो दो। अरे हाँ भाई रोफिरो, सिलेंडर मैन ने शॉर्टकट लिया, ये देख अभी मैं आ गया और ये निकला तेरे से आगे। तेरी गाइस, इसने तो मेरे को बुद्धू बनाया, रुक जाओ इसको अभी बताता हूँ। तो गाइस अभी मुझे कैसे भी करके इसको हराना होगा। अरे बच्चू, ऐसे कैसे हरा देगा, ये 3 करोड़ की घोस्ट राइडर बाइक है, ये ऐसे नहीं हारेगी। ओ गाइस, ये तो सचमुच में काफी ज्यादा आगे निकल गया, लेकिन इसकी बाइक इतनी फास्ट कैसे भाग रही है, घोस्ट राइडर बाइक तो खटारा होती है। अरे बच्चू, मुझे लगता है तुमने आज तक सिर्फ सस्ती वाली घोस्ट राइडर बाइक चलाई है, ये 3 करोड़ की बाइक तुम्हारी औकात से बाहर है। तो गाइस, अभी सिलेंडर मैन आज की रेस में काफी ज्यादा आगे चल रहा है और उसकी घोस्ट राइडर बाइक काफी फास्ट भाग रही है। वैसे आपको क्या लगता है, आज की रेस में कौन जीतने वाला है, सिलेंडर मैन या फिर रोफिरो? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ यार, अगर अभी तक आपने अपनी टीम को सिलेक्ट नहीं किया तो जल्दी से सिलेक्ट कर लो और कमेंट करके बताओ आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। और आज रेस खत्म होने पे देखते हैं कि आप लोगों में से किस किस की टीम जीतती है। अरे वायर, मैं तो सिलेंडर मैन से आगे निकल गया, देख लेना आज तो मेरी ही टीम जीतने वाली है। अरे रोफिरो, रेस तो मैं ही जीतूंगा, लगता है तेरे को घोस्ट राइडर बाइक की पावर दिखानी पड़ेगी। और ये देखो, मैं तो आगे निकल गया। ओ गाइस, इसकी घोस्ट राइडर बाइक तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरे को टक्कर मार दी और मेरी बाइक को स्क्रैच हो गया। अरे बच्चू, स्क्रैच तो हो गई ना, मेरी घोस्ट राइडर बाइक पूरी लोहे से बनी है और तेरी ट्रॉन बाइक प्लास्टिक से। अरे वह बहुत अच्छी कोशिश की तूने मुझे साइड हटाने की, लेकिन मेरी बाइक को हिलाना तेरी बाइक के बस में नहीं। अरे यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि घोस्ट राइडर बाइक इतनी पावरफुल हो सकती है, देखो मैं इसको धक्का भी नहीं दे पा रहा। अरे लेकिन फाइनली गाइस, मैं अभी इसकी घोस्ट राइडर बाइक से आगे निकल चुका हूँ और मुझे सामने की तरफ फैक्ट्री भी दिखाई दे रही है। अरे सिलेंडर मैन, क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी बाइक को आगे निकालो, इससे हारना चाहते हो क्या? अच्छा तो ये टिप्सन का बच्चा भी सिलेंडर मैन को सपोर्ट कर रहा है, मुझे तो पहले से ही पता था टिप्सन बहुत हरामी है। अरे बच्चे टिप्सन को छोड़, जरा तेरे पीछे देख कौन आया, सिलेंडर मैन लेके घोस्ट राइडर बाइक। हाँ ये देख रोफिरो, अभी मैं तेरे से आगे निकल गया। ओ गाइस, ये सिलेंडर मैन तो मुझसे आगे निकल गया, मुझे कुछ भी करके इससे आगे निकलना होगा और फैक्ट्री से घुमाकर अपनी बाइक को सबसे पहले एंडिंग पॉइंट पे ले जाना होगा। अभी इसको एक बार और टक्कर मारता हूँ। और ये देखो गाइस, मैंने इसको साइड कर दिया, चलो अपने जल्दी से बाइक को घुमा लेता हूँ। अरे ये क्या यार, ये सिलेंडर मैन का बच्चा तो भाग गया, मुझे इसके पीछे चलना चाहिए, अभी मैं आगे से घुमाता हूँ अपनी बाइक को। अरे रोफिरो, छोटा बच्चा समझा है क्या, जो छोटी सी टक्कर से मैं साइड हो जाऊंगा। नीले बैंगन, आज तो तेरे
मेरे को आज की रेस हराऊंगा। अरे सिलेंडर मैन के बच्चे, तूने मेरे को नीला बैंगन बोला, रुक जा, तेरे को अभी बताता हूँ मैं। अरे बच्चे, पहले अपनी बाइक को मेरी बाइक की बराबरी पर तो ले, उसके बाद बताना। अच्छा बच्चों, ऐसी बात है क्या? तो ये ले, अभी मैं तेरे को साइड में कर देता हूँ। तो गाइस अभी मैं आगे निकल चुका हूँ। अरे अरे देखो देखो, रोबीरो कितना खुश हो गया। अरे तेरे को अभी बताता हूँ, रुक जा, तेरे को अभी पीछे छोड़ता हूँ मैं। गाइस मुझे तो ये डर है, सिलेंडर मैन का बच्चा अपनी घोस्ट राइडर बाइक से कहीं मेरी ट्रोन बाइक को तोड़ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि घोस्ट राइडर बाइक इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लेकिन वो सब छोड़ो यार, मुझे रेस पे ध्यान देना चाहिए, अगर मैं हार गया तो बेइज्जती हो जाएगी। और ये देखो यार, ये सिलेंडर मैन तो मेरे पीछे ही आ गया, अभी मुझे कुछ भी करके अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाना होगा। अरे वाह यार, ये देखो, मैं तो आसानी से रोबीरो से काफी आगे निकल गया और अभी मेरी बाइक की स्पीड को कोई नहीं रोक सकता। अरे वाह, बल्ले बल्ले गाइस, ये देखो हमारा सिलेंडर मैन कितनी आगे चल रहा है। तो गाइस अभी तो रेस खत्म होने वाली है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों में से? अगर टीम सिलेक्ट नहीं की है तो जल्दी से टीम सिलेक्ट करो। और हाँ यार, अगर सिलेंडर मैन की टीम को सिलेक्ट कर रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर रोबीरो की टीम को सिलेक्ट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज की रेस को कौन जीतने वाला है। और अभी तो रेस में रोबीरो काफी आगे निकल चुका है, लेकिन सिलेंडर मैन भी उसके पीछे आ रहा है। अरे यार, मैं जैसे ही आगे निकल रहा हूँ, ये सिलेंडर मैन वापस से बराबरी पे आ रहा है, लेकिन इसको मैं गिराऊं तो गिराऊं कैसे? एक तो इसकी घोस्ट राइडर बाइक पूरी लोहे से बनी है, इसको मेरी ट्रोन बाइक धक्का भी नहीं दे पा रही। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाकर इससे कैसे भी करके आगे निकलना होगा और अपनी बाइक को इसकी बाइक से बचा के रखना होगा। अरे रोबीरो, मैंने बोला ना, तू आज चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुझसे आज की रेस बड़ी आसानी से जीतने वाला हूँ। अरे आखिर मैं अभी और कितनी स्पीड बढ़ाऊं? मैंने फुल स्पीड दे दी, लेकिन फिर भी मेरी बाइक इसकी बाइक से आगे नहीं निकल पा रही। अभी कुछ भी करके इससे आगे निकलना ही पड़ेगा, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी इस खटारा घोस्ट राइडर बाइक से हारने पर। अरे रोबीरो, खटारा बाइक किसको बोल रहा है? पूरे 3 करोड़ की है, तेरा घर जाएगा इसमें। अरे एमसी सिलेंडर, अपना मुंह बंद रख। तो गाइस अभी देखो, मैंने इसकी गाड़ी को टक्कर मारी और अभी मैं आगे निकल चुका हूँ। अरे इस रोबीरो की इतनी हिम्मत, ये मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। रुक जा रोबीरो, अभी बताता हूँ तेरे को सिलेंडर मैन की पावर। अरे अब तो कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को इसको आगे नहीं निकलने देना, क्योंकि एंडिंग पॉइंट काफी ज्यादा पास है, अगर ये आगे निकला तो ये जीत जाएगा। तेरी गाइस, जिसका डर था वही हुआ, देखो ये तो मुझसे काफी आगे निकल गया, लेकिन अभी मैं क्या करूं? अरे वाह यार, ये देखो, अभी तो मैं आज की रेस जीत गया। मैंने बोला था ना, मेरी लोहे वाली घोस्ट राइडर बाइक ही जीतेगी। अरे नहीं गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था घोस्ट राइडर बाइक खटारा होती है, लेकिन इसकी घोस्ट राइडर बाइक तो काफी खतरनाक निकली। काश मेरे पास में भी कितनी महंगी वाली खतरनाक सुपर बाइक होती। अरे यार, आखिरकार सिलेंडर मैन ने रोबीरो को हरा दिया, अब रोबीरो मेरी बात आसानी से समझ जाएगा। क्या हुआ रोबीरो? अरे यार टिप्सन, सिलेंडर मैन की ये बाइक काफी खतरनाक है, काश मेरे पास भी एक ऐसी बाइक होती। अरे छोटे, सिलेंडर मैन की नहीं बल्कि तेरी ही बाइक है। मैंने बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए तेरे लिए यही बाइक मंगवाई थी, लेकिन तूने तो कहा कि घोस्ट राइडर बाइक खटारा होती है, और इसकी असली पावर दिखाने के लिए मैंने सिलेंडर मैन से तेरे से रेस करने को कहा। अरे सॉरी टिप्सन, मेरे दोस्त, तू कितना अच्छा है, तूने मेरे लिए इतनी महंगी बाइक मंगाई। तो गाइस अभी तो रोबीरो खुश हो चुका है, तो इसी बात पे आज की वीडियो को लाइक कर दो, रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ यार बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लेना, और कमेंट करके बताना कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।